इतना दीवार चल रही है बहन। सुबह बाय भैया। Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another OG video. So, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ eating chocolate for 24 hours challenge. And आज मैं पूरे दिन dishes बनाने वाली हूँ जो trend कर रही हैं और उन सब में होगा चॉकलेट. So, बिना किसी फर्डी लेके जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का टाइम एंड मैं किचन में गई थी अपने लिए कुछ बनाने के लिए और किचन में घुसते मुझे पता चला कि मेरे पास तो सामान ही नहीं है क्योंकि मुझे पूरा 24 आवर्स का अभी चैलेंज भी करना है तो मैं जल्दी से ब्लिंकिट कर लेती हूँ पहले. सो हियर इज व्हाट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम ब्लिंकिट एंड मैं जल्दी से जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए. सो वेलकम टू माई किचन एंड अभी मैं सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे क्या एक ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिसमें चॉकलेट हो एंड मैं रील स्क्रॉल कर रही थी और मुझे एक बहुत ही क्यूट आइडिया दिखा चॉकलेट फिल्ड पैनकेक्स का. तो मैं सोचा यार ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स से बेटर और क्या ही हो सकता है एंड और उसमें चॉकलेट भी है जो मेरा चैलेंज है ऑब्वियसली. सो मैं सोचा कि ना जल्दी से हम पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं. सो दिस इज द रील एंड दीज आर द चॉकलेट फिल्ड पैनकेक्स एंड आज हम ब्रेकफास्ट में यही ट्राई करने वाले हैं. तो आज के दिन मैं जितनी भी रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ उन सब की रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे शॉर्ट्स पे. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. सो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट टर्न आउट हो रहे हैं मतलब बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे पैनकेक्स. सो पीपला जो मेरे पैनकेक्स है वो रेडी हो चुके हैं. मेरा ब्रेकफास्ट फाइनली रेडी हो चुका है मतलब मैंने कितने घंटे लगा दिए ना सीधे सीधे ब्रेकफास्ट बनाने में बट क्या जो भी है मुझे लग रहा है ये इट्स ऑल वर्थ इट इतना काम करना. एंड ये मेरे बहुत ही सुंदर सुंदर पैनकेक्स चॉकलेट फिल्ड पैनकेक्स एंड मैं जल्दी से उनकी बाइट लेने वाली हूँ. मैं क्या ही तारीफ कर रहा हूँ अभी. ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं मतलब ये मैं बहुत सारा रेगुलर बनाना शुरू करने वाली हूँ. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं जल्दी से अपने पैनकेक्स खत्म करती हूँ व्हाइल्स आई एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू और मैं आप लोगों से मिलती हूँ लंच टाइम में. सो गाइस अब टाइम हो चुका है लंच का एंड मुझे फाइनली भूख लगना शुरू हो चुकी है क्योंकि सुबह के पैनकेक्स बहुत ही ज्यादा हैवी थे और वो बहुत अच्छे भी थे. सो मैंने काफी सारी रील्स देखी चॉकलेट से रिलेटेड कि मैं क्या बना सकती हूँ एंड मुझे उसमें मिला ये 3 इंग्रेडिएंट चॉकोलावा केक जो मैं डेफिनेटली अभी बनाने वाली हूँ. एंड उसके साथ आपको तो पता ही होगा गर्मी कितनी भयंकर तरह से बढ़ चुकी है दिल्ली में वो भी अचानक से. सो उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ एक कोल्ड कॉफी एंड विच इज कैडबरी कोल्ड कोको ये नाम है उसका. एंड आपको इन दोनों चीजों की जो रेसिपी है वो मिल जाएगी मेरे शॉर्ट्स पे. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड रेडी सेट कुक. सो गाइस जो पकाना पकाना था वो सब हो चुका है एंड फाइनली अब टाइम आ चुका है प्लेटिंग का. दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. सो केक के बहुत ही अच्छे से डिमोल्ड होने के बाद अब बारे आ चुकी है हमारे चॉकलावा की जो मैंने रेडी कर रखा है और मुझे जल्दी जा इतना दीवार चल रही है बहन. सो गाइज यहाँ पे मेरा जो चॉकलावा है वो बनके तैयार हो गया है एंड चॉकलावा जैसे होता है इसको बीच में से जब मैं इसे काटूंगी तो इसे बर्स्ट होना चाहिए पूरे चॉकलेट के साथ. चॉकलेट तो है और वो आ भी रही है मैं जरा टेस्ट कर लेती हूँ ऐसा लग रहा है. वो ये बहुत अच्छा लग रहा है. आज मैं जितने मैंने अभी तक बनाए हैं जो दो ही थे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं एंड ऑल्सो हम लोगों के साथ था ये कैमरा मैन थैंक यू सो मच कि वो मेरी बहन है. ओके ठीक है दिस इज कैडबरी कोल्ड कोको एंड ये बहुत अच्छी बनी है ये भी बहुत अच्छी बनी है और दोनों की रेसिपीज आप लोगों को मिल जाएगी मेरे शॉर्ट्स पे जल्दी से मैं खत्म करके आती हूँ एंड उसके बाद हम मिलते हैं डिनर के टाइम पे. ओके सो अब टाइम हो चुका है डिनर का एंड आई हैव टू मेक दिस वन कंसेशन जो चॉकलावा केक था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना हुआ था मतलब ये देखो टेस्ट अच्छा था ठीक है टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी टेस्ट तो मेरे हाथों में है बट जो दिक्कत हुई वो थी उसके फॉर्म को होल्ड करने में और वो अपनी शेप को होल्ड ही कर पा रहा था वो ढह रहा था ढह वो थोड़ा सा फेल हो गया आज के इस चैलेंज में हल्का सा इतू सा इतू सा. एंड अब मेरा कुछ मन नहीं था बनाने का और मेरे सुबह से दिमाग खराब हो चुका है चॉकलेट की शक्ल देख देख के वैसे तो
बट अब मैंने चैलेंज लिया है सो मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा. तो इसलिए मैंने अभी मंगवाया है द वॉफल कोसे, इसका बेस्ट सेलर न्यूटेला वॉफल. ऑल्सो वॉफल जो है वो बहुत ज्यादा फिलिंग होता है और मुझे लगता है कि एक वॉफल के अंदर तो हो ही जाएगा आराम से मेरा काम, क्योंकि रात में इसके अलावा तो और कुछ मिल नहीं वाला. ओके सो आई नो कि मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं डिशेस बनाऊंगी, मैं 3 बना चुकी हूँ और मैं उतने में बहुत ज्यादा थक गई. सो इसलिए अभी रात का जो खाना है वो आ रहा है बाहर से. इतना तो पक्का है कि इस वाले चैलेंज के बाद डेफिनेटली मैं कम से कम 2 महीने तक बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाने वाली हूँ. सो गाइस जो हम लोग का वॉफल है वो आ चुका है एंड मैं जल्दी से इसे ओपन करके लेके आती हूँ. ओके सो हेयर इज आवर वॉफल. ये थोड़ा सा लीक हो गया, सारा चॉकलेट जो है वो बाहर आ चुका है, बट हम इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे. सो अब आ चुकी है मेरी फेवरेट चीज की बारी एंड दैट्स द आइसक्रीम. ओके सो गाइस दिस इज आवर डिनर, दिस इज माय बाइट एंड फाइनली ये आज का लास्ट मील है हमारे चैलेंज का. तो ये थोड़ा सा टॉलरेबल है क्योंकि एक तो इसमें है आइसक्रीम, सो उससे मेरा पैट को ज्यादा साफ हो रहा है क्योंकि सुबह से चॉकलेट खा के दिमाग खराब हो चुका था. विद दैट सेड अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. टिल देन बाय बाय.